बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग एंड एक्शन थ्रिलर फिल्म गणपत चैप्टर वन को लेकर, जिसका कल एक टीजर प्रोमो रिवील कर दिया था मेकर्स ने। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, टीजर काफ़ी अच्छा था और आपने आपको एक और एक्शन सीक्वेंस बोले तो एक स्टंट देखने को मिल जाएगा टाइगर का। वेल, आपको याद हो फिल्म काफ़ी अच्छी होने वाली है, जो कि एक बिग बजट फिल्म होगी जिसका जो बजट है वो कम से कम 80 करोड़ प्लस होगा, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है पहले से। डायरेक्शन दे रहे हैं इस फिल्म को विकास बहल और ये फिल्म शेड्यूल की गई है 23 दिसंबर 2022 के लिए। और कोई पता नहीं यार, ये फिल्म शेड्यूल जो डेट है उससे आगे भी बढ़ सकती है, पोस्टपोन करने के काफ़ी सारे कारण हो जाते हैं। इस फिल्म में आपको नजर आएंगी टाइगर श्रॉफ के अपोजिट एक बार फिर से कृति सेनन, जो कि इन्हें के साथ लास्ट फिल्म में नजर आई थी, वो फिल्म थी गाइस हीरोपंती। देखते हैं ये फिल्म किस लेवल की होने वाली है, क्या फिल्म हीरोपंती के जैसी होगी। वेल, आपको पता ही है हीरोपंती से डेब्यू किया था टाइगर ने यार। वेल, आपको बता दूँ फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, ये चीज़ कन्फर्म है, जिसे कि प्रोड्यूस कर रही है पूजा एंटरटेनमेंट्स। अगर बात करें फिल्म को लेकर तो आपको पता ही है इसका बजट काफ़ी हाई है, जिसके लिए जो फीस चार्ज की है दोनों सीरीज़ के लिए, गणपत चैप्टर वन और चैप्टर टू के लिए 50 करोड़ की टाइगर श्रॉफ ने, जो कि बहुत ही बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी गणपत चैप्टर वन कितने करोड़ की ओपनिंग ले लेगी अपने पहले दिन, 20 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़, क्या राय है। वेल, आपको बता दूँ काफ़ी वक्त से टाइगर श्रॉफ की अकेले की बोले तो सोलो कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, बागी 3 रिलीज़ हुई थी जो कि गाइस लॉकडाउन के चलते फ्लॉप सी हो गई थी, मतलब कि प्री रिलीज़ द्वारा किया गया पर इसका इतना कलेक्शन हुआ नहीं था सच कहूँ तो। वेल, आपकी गणपत चैप्टर वन को लेकर क्या है राय कमेंट में बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।